कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा स्पीकर की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी और अहम जानकारी, विधानसभा स्पीकर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं ज्ञानचंद गुप्ता। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, विधानसभा स्पीकर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। आपको बता दें कि इस घटना में विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता बार बार बचे हैं। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी उमंग श्योरान जुड़ चुकी हैं। उमंग, क्या वजह थी, किस वजह से दुर्घटना हुई है? देखिए, अभी वजहों का कारण का पता नहीं लग पाया है, स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल इतनी जानकारी मिली है कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की गाड़ी का मोहाली के सेक्टर 48 के पास हादसे में, मतलब उनकी गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि वो बाल बाल बच गए हैं और तीन गाड़ियां जो बैक टू बैक उसमें एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वो उदयपुर में अखबार समाज के राष्ट्रीय स्तर के समारोह में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे जब यह हादसा हुआ, लेकिन उन्हें कमर की तकलीफ के चलते फिर वापस एयरपोर्ट से लौटना पड़ा। जी, और स्पीकर के साथ साथ और किसी को भी चोट आई है? देखिए, अभी औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी मिलनी बाकी है कि उनके साथ जो स्टाफ था उसमें भी किसी को चोट आई है या उन्हें कितनी चोट आई है, इस मामले में अभी स्थिति साफ होनी बाकी है। और काफिले में कितनी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं? तीन गाड़ियां अब तक की जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा स्पीकर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बाल बाल बचे हैं। और यह भी आपको जानकारी दे दें कि अभी कारण पता नहीं चल पाए हैं कि किस वजह से यह हादसा हुआ है, और एक के साथ ही तीन गाड़ियां जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। तस्वीरें भी आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं, जब यह काफिला जा रहा था विधानसभा अध्यक्ष का, तो उस दौरान ये गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बाल बाल बचे हैं। और अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, ये औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि किस वजह से ये सड़क दुर्घटना हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और ऐसे में एक के साथ एक तीन गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। तो सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं विधानसभा के अध्यक्ष। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, हादसे में तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। उदयपुर में एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे ज्ञानचंद गुप्ता। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस दौरान ही ये गाड़ियां जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बाल बाल बचे। तो मोहाली के सेक्टर 48 के पास ये गाड़ियां जो हैं वो दुर्घटना हुई है। आपको बता दें कि हादसे में तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, और इस घटना में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में एक समारोह में शामिल होने के लिए यह काफिला जो है वो जा रहा था, लेकिन तीन गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तस्वीरें भी आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। हालांकि बड़ी घटना यहां पर होने से बच गई, और सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। मोहाली सेक्टर 48 के पास यह घटना हुई। आपको बता दें कि इस हादसे में तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के काफिले का एक्सीडेंट हुआ है। आपको बता दें कि तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, और विधानसभा स्पीकर जो हैं इसमें बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में किसी समारोह में शामिल होने के लिए ये जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान मोहाली के सेक्टर 48 के पास जो है ये गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बाल बाल बचे हैं। तो उदयपुर में एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे ज्ञानचंद गुप्ता। बड़ी और अहम जानकारी आप तक चंडीगढ़ से पहुंचा रही है।
तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, विधानसभा स्पीकर की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। आपको बता दें कि इसमें विधानसभा अध्यक्ष बाल बाल बचे हैं, और आपको यह भी बता दें कि तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। उदयपुर में एक समारोह में शामिल होने के लिए काफिला जा रहा था, लेकिन मोहाली के सेक्टर 48 के पास ये गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं ज्ञानचंद गुप्ता। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहाली के सेक्टर 48 के पास ये दुर्घटना हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक तीन गाड़ियां जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं, और इस घटना में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बाल बाल बचे। आपको बता दें कि उदयपुर में एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन मोहाली के सेक्टर 48 के पास उनका काफिला जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होगी, उनकी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होगी, और ऐसे में तीन गाड़ियां जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। लेकिन अभी विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो ठीक हैं। आपको यह भी बता दें कि इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं। हादसे में तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, और उदयपुर में एक समारोह में शामिल होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष जा रहे थे। आपको यह भी बता दें कि मोहाली के सेक्टर 48 के पास यह घटना दुर्घटना हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी